गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंपैरिजन यानी तुलना सूचक वाक्यों के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी उन वाक्यों के विषय में जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु या व्यक्तियों या वस्तुओं से की गई, उनके गुण या अवगुण, उनके कार्यों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। जैसे पहला है, उषा से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। उषा से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। ए वुमन कांट बी या वुमन कैन नॉट बी बेटर देन उषा। ए वुमन कैन नॉट बी बेटर देन उषा। दूसरा वाक्य है, इस पुस्तक से अधिक उपयोगी और कोई दूसरी किताब नहीं हो सकती। इस पुस्तक से अधिक उपयोगी और कोई दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती, दूसरी किताब नहीं हो सकती। ए बुक कांट बी मोर यूजफुल। ए बुक कांट बी मोर यूजफुल देन दिस वन भी लगा सकते हैं, देन दिस वन। तीसरा, इस लड़के से अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता है। इस लड़के से अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता है। ए बॉय कांट बी रिचर। ए बॉय कांट बी रिचर देन ही। ऐसे वाक्यों में भी एक की तुलना बहुतों से की जाती है, यानी इन वाक्यों के माध्यम से भी एक की तुलना दूसरों से की जाती है, बहुतों से की जाती है। और यह बोध होता है कि एक में गुण की मात्रा सबसे अधिक है, कारण ऐसे वाक्यों में भी एक की तुलना बहुतों से की जाती है। और इसे यह बोध होता है कि एक में गुण की मात्रा या अवगुण की मात्रा सबसे अधिक है। रूल्स बनेगा कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, तब कैन नॉट बी, कैन नॉट या कांट, तब बी बेटर प्लस द नाउन और प्रोनाउन। जैसे ए बॉय सब्जेक्ट हो गया, कांट बी हो गया, बी रीचर मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और देन लगाया और तब नाउन प्रोनाउन। नोट नंबर एक, और कोई का अनुवाद नहीं होता है। इस हिंदी में जो और कोई आता है उसका अनुवाद नहीं होता है। नंबर दो, और कोई के बाद आने वाला नाउन अंग्रेजी वाक्य का सब्जेक्ट होता है। कारण और कोई के बाद आने वाला नाउन, जैसे और कोई लड़का आया, और कोई दूसरी किताब, और कोई औरत, या क्या है, कारण और कोई के बाद आने वाला नाउन अंग्रेजी वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे और कोई औरत ए वुमन, और कोई किताब ए बुक। नोट नंबर तीन, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार भी हो सकता है, यानी ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार भी हो सकता है, नो वुमन कैन बी बेटर देन उषा। नो वुमन कैन बी बेटर देन उषा। उलट के, नो बुक कैन बी मोर यूजफुल देन दिस। नो बुक कैन बी मोर यूजफुल than this, अथवा no boy can be richer than he, या no other boy कह सकते हैं, no other boy can be richer than he। नोट नंबर चार, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार भी हो सकता है। आगे शब्द लिखा, फिर they like of noun pronoun। जैसे उषा के समान या उषा के टक्कर की औरत आपको नहीं मिल सकती है। उषा के समान या उषा के टक्कर की औरत आपको नहीं मिल सकती है। यू कांट फाइंड आपको नहीं मिल सकती है। क्या? दे लाइक आप उषा। यू कांट फाइंड आपको नहीं मिल सकती है। दे लाइक आप उषा, उषा के टक्कर की औरत। दे लाइक आप उषा।
दूसरा है इसके समान या इसके टक्कर की पुस्तक बिरले ही होती है। इसके समान या इसके टक्कर की पुस्तक बिरले ही होती है। द लाइक ऑफ दिस बुक इज रेयर, द लाइक ऑफ दिस बुक इज रेयर। अब अगला नमूना, वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। लंबा सेंटेंस है, ही इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, ही इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। वह निश्चित रूप से सबसे अच्छे लड़कों में एक है, इफ नॉट द बेस्ट, अगर सबसे अच्छा नहीं है तो। वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। He is certainly one of the best boys. He is certainly one of the best boys. If not the best, अगर सबसे अच्छा नहीं है। दूसरा, वह महिला सबसे अधिक धनी तो नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। वह महिला सबसे अधिक धनी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। That lady is one of the richest. That lady is one of the richest. If not the richest. That lady is one of the richest. If not the richest. Number 3. वह सबसे महान नेता तो नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। वह सबसे महान नेता तो नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। He is one of the greatest leaders. He is one of the greatest leaders. वह सबसे महान नेताओं में एक है, if not the greatest. He is one of the greatest leaders, if not the greatest. रूल्स डॉट डॉट किया गया है, यानी उसके पहले शब्दों को, उसके बाद वन ऑफ दी सुपरलेटिव रखिए और तब प्लूरल नाउन रखिए, यानी सुपरलेटिव के बाद प्लूरल नाउन आएगा और उसके बाद इफ नॉट दी और तब प्लूरल कर। आप पहले वन ऑफ दी लिखिए, उसके पहले जैसे ही इज सब्जेक्ट वर्ब यहां रहेगा, उसके बाद वन ऑफ दी पर सुपरलेटिव प्लूरल नाउन, इफ नॉट दी और तब प्लूरल। नोट नंबर 1, हिंदी का दूसरा भाग अंग्रेजी में पहले आता है, यानी ये हिंदी जो लिखी गई है वह सबसे महान नेता तो नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। तो कहा जा रहा है कि हिंदी का दूसरा भाग, यानी उनमें से कम एक तो है ही, दूसरा भाग अंग्रेजी में पहले आता है और पहला भाग बाद में आता है। यह भी देखिए कि अंग्रेजी वाक्य का दूसरा भाग इफ से आरंभ होता है। यह भी देखिए कि अंग्रेजी वाक्य का दूसरा भाग, यानी यह भाग जो देख रहे हैं, इफ से शुरू होता है। नोट नंबर 2, ऐसे वाक्यों में कम से कम का अनुवाद नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में हिंदी में कम से कम का अनुवाद नहीं होता। अब अगला तरीका, मैंने जितनी पुस्तकें लिखी हैं उनमें से सबसे अच्छी यह है। मैंने जितनी पुस्तकें लिखी हैं उनमें सबसे अच्छी यह है। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रिटन। यह लाइन खींची गई है कि यहाँ कंजंक्शन छिपाया गया है, यानी विच या दैट छिपा लिया गया है। दिस इज द बेस्ट बुक, केवल समझाने के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ,
लेकिन यहाँ विच और दैट छिपा हुआ है। दिस इज द बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छी पुस्तक है जो जो आई हैव एवर रिटन, दैट आई हैव एवर रिटन, या विच आई हैव एवर रिटन, जो विच या दैट छिपा हुआ है। उसने जितने दृश्य देखे हैं उनमें सबसे सुंदर यह है, उसने जितने दृश्य देखे हैं उनमें सबसे सुंदर यह है। दिस इज द मोस्ट चार्मिंग साइट, दिस इज द मोस्ट चार्मिंग साइट ही हैज एवर सीन, उसने जितने दृश्य देखे हैं उनमें सबसे सुंदर यह है। दिस इज द मोस्ट चार्मिंग साइट ही हैज एवर सीन। तीसरा, यहां जितने मैच खेले गए उनमें सबसे अच्छा यह है, यहां जितने मैच खेले गए उनमें सबसे अच्छा यह है। दिस इज द बेस्ट मैच, दिस इज द बेस्ट मैच एवर प्लेड हियर। यहां भी दैट देख रहे हैं छिपा हुआ है, लाइन खींचने में तो दैट यहां छिपा हुआ है। दिस इज द बेस्ट मैच एवर प्लेड हियर। और रूल्स बने कैसे, दिस इज द पहले लगाइए, फिर सुपरलेटिव, तब सब्जेक्ट, तब हैव, एवर और पास्ट पार्टी सिंपल। जैसे दिस इज द लगाया, सब्जेक्ट लगाया और फिर उसके बाद हैव, एवर और रिटेन। दूसरा फॉर्मूला, दिस इज द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, जैसे दिस इज द मोस्ट चार्मिंग साइट, दिस इज द मोस्ट चार्मिंग साइट, सुपरलेटिव हो गया। उसके बाद एवर, एवर और पास्ट पार्टी सिंपल, यानी ये दो फार्मूले हैं जिसके आधार पर इनका ट्रांसलेशन किया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि एक का बहुतों से तुलना जब की जाती है तो ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। थैंक यू।